11 अक्टूबर 1916। यह तारीख इतिहास में इसलिए दर्ज हुई क्योंकि ईश्वर ने भारत देश में एक ऐसे महामाना को अवतारित किया जिसने भारत भूधरा के संपूर्ण कल्याण के लिए निस्वार्थ रूप से अपना तन, मन और धन अर्पित कर दिया। मराठवाड़ा क्षेत्र के परभणी जिले के हिंगोली तालुका के एक छोटे से गांव कडोली में महान माता राजाबाई के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। इस देशमुख परिवार में 3 पुत्रियों और 1 पुत्र के बाद जन्म लेने वाले इस बालक का नाम बड़े लाड़ प्यार से चंडिका दास रखा गया। पारंपरिक धारा के अनुसार इनका पूरा नाम रखा गया चंडिका दास अमृतराव देशमुख। बचपन में ही नाना जी के सिर से माता और पिता का साया उठ गया। उनकी ताई लक्ष्मीबाई ने रिसोड़ कस्बे में आने पर 11 साल की उम्र में 3री कक्षा में प्रवेश दिलाया। अद्भुत बुद्धि और मेधा के चलते बालक चंडिका दास अमृतराव हर कक्षा में प्रथम स्थान पर रहे। यहीं आने पर उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। नाना जी 1940 में संघ की शिक्षा के लिए नागपुर आ गए। यहां डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जोशीले भाषण को सुनकर इतने प्रभावित हुए कि संघ के कार्य के लिए उन्हें आगरा भेज दिया गया। आगरा में एक ही कमरे में रहते हुए नाना जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संघ निष्ठा से बेहद प्रभावित हुए। यहीं से दोनों के बीच अपनापन हुआ जो जीवन भर रहा। बाद में नाना जी की प्रतिभा को देखकर संघ ने उन्हें गोरखपुर भेज दिया। नाना जी की कार्यशैली से संघ का लगातार प्रसार हो रहा था। संघ की शाखाएं गोरखपुर से देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ और बलिया तक फैल गई थीं। जल्दी ही पूरे क्षेत्र में संघ की 250 से अधिक शाखाएं खुल चुकी थीं। देश प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए नाना जी को राष्ट्र धर्म समाचार पत्र के प्रकाशन को व्यवस्थित करने के लिए लखनऊ भेज दिया गया। 1948 के अंत से 1951 में जनसंघ के गठन तक नाना जी ने राष्ट्र धर्म का सफल प्रकाशन किया। संस्कारवान शिक्षा के लिए उत्साहित नाना जी के मार्गदर्शन में 1952 में गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की शुरुआत हुई। इसके बाद तो संस्कारवान शिक्षा के प्रसार के लिए देश भर में हजारों सरस्वती शिशु मंदिर खुले। नाना जी राष्ट्र निर्माण को लेकर आतुर थे। वे यह समझ चुके थे कि देश के विकास के लिए एक राजनीतिक दल का होना आवश्यक है जो अंग्रेजों के छोड़े गए भारत को भारतीय संस्कृति के सांचे में दुनिया के नक्शे पर नए ढंग से अंकित करे और भारत को विश्व गुरु बनाए। इसके लिए 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ के नाम से नए दल को अखिल भारतीय स्तर का स्वरूप दिया गया। इसमें भूमिका निभाने के लिए नाना जी को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। नाना जी ने कड़ी मेहनत करके संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में खड़ा कर दिखाया। 11 फरवरी 1968 को नाना जी के अनन्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मुगल सराय स्टेशन पर हत्या की घटना नाना जी के लिए वज्राघात की तरह थी। अरचन की थाली में कपूर सा उजल गया, असमय ही झर गया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन
और कर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसी वर्ष उनकी याद में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। राष्ट्रहित को दूर करके व्यक्तिगत सत्ता की इच्छा के लिए पनप रहे भ्रष्टाचार से नानाजी विचलित रहते थे। इसी दौरान उनका संपर्क घनिष्ठ मित्र रामनाथ गोयनका के माध्यम से सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण से हुआ। वे भी राजनीति में लगातार आ रही गिरावट और राष्ट्र निर्माण की उपेक्षा से दुखी रहते थे। राजनीति में राष्ट्र निर्माण की उपेक्षा के विरोध में पटना में 4 नवंबर को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता जुलूस निकालने जा रही थी, तो नानाजी इस जुलूस में जेपी के साथ खड़े हो गए। निरंकुश सरकार ने जुलूस पर लाठी चार्ज किया तो नानाजी ने जेपी के ऊपर पड़ने वाले पुलिस की लाठियों के प्रहार को अपने हाथों पर झेला, जिससे उनकी कलाई में गंभीर चोट आई। पर नानाजी ने जेपी को एक खरोंच तक नहीं आने दी। जयप्रकाश जी के ऊपर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब मार्च निकल रही थी, जयप्रकाश जी पर बहुत बड़ा हमला हुआ और उस समय उनके बगल में नानाजी देशमुख खड़े थे। नानाजी ने अपने हाथों पर वो मृत्युगंध के रूप में आए हुए प्रहार को झेल लिया। उनके हाथ की हड्डियां टूट गई, लेकिन जयप्रकाश जी को चोट से उन्होंने बचा लिया। और वो एक ऐसी घटना थी कि देश का ध्यान नानाजी देशमुख की तरफ गया। 25 जून 1975 को देश में घोषित आपातकाल के दौरान लोकसभा चुनाव की घोषणा के 3 दिन बाद 4 दलों को विलय करते हुए जनता पार्टी नामक नए दल का गठन हुआ। जनता पार्टी के अधिवेशन में चंद्रशेखर को अध्यक्ष और नानाजी को 4 महामंत्रियों में से एक बनाया गया। नानाजी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, पर जेपी का आग्रह नहीं टाल सके। लोकसभा में बलरामपुर की सीट के लिए चुनाव लड़कर नानाजी ने रानी राजलक्ष्मी देवी को भारी अंतर से पराजित किया। जनता पार्टी की सरकार बनी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने नानाजी पर उद्योग मंत्री पद संभालने का दबाव डाला, पर नानाजी टस से मस नहीं हुए और उन्हें फोन करके मना कर दिया। यह था नानाजी का त्याग और राष्ट्र के प्रति मोह। सक्रिय राजनीति से दूर होकर नानाजी ने राष्ट्र निर्माण के लिए अगला कदम रखा। उत्तर प्रदेश जिले के प्रांत के गोंडा जिले में जो बलरामपुर पार्लियामेंट्री चुनाव क्षेत्र था, वहाँ से मुझे खड़ा किया गया। मैं खड़ा नहीं चाहता था, मैं जेल में था, सब लोग छूट गए थे, मुझे इंदिरा जी छोड़ नहीं रही थी। तो अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी इंदिरा जी के पास गए कि भाई नाना जी को छोड़ा नहीं। तो इंदिरा ने कहा नाना जी छूट जाएंगे, नाना जी तो चुनाव लड़ते नहीं, चुनाव है, चुनाव के बाद छूट जाएंगे। तो मुझे चुनाव में खड़ा करने के लिए इन लोगों ने नॉमिनेशन पेपर भेजा। मैंने कहा मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। दो बार प्रसाद, फिर रामनाथ गोयनका जी ने जयप्रकाश नारायण से कहा कि देखो आप कहते हो नाना जी के बिना आप अपनी शक्ति लगा नहीं सकते, मुझे नाना जी समझते हैं, मेरे कार्यक्रम वही अरेंज कर सकते हैं
और उन्हीं के बलबूते पर मैं इस अवस्था में भी काम करूंगा। यदि नाना जी नहीं है तो मुझे चुनाव में काम करना पड़ेगा। रामनाथ जी ने कहा, देखो नाना जी किसी का नहीं मानेंगे, आपका मान सकते हैं, आप एक चिट्ठी लिखो दो चार वाक्य, क्योंकि आपने कभी सत्ता पाई नहीं, आपने चुनाव लड़ा नहीं, आप आज भी इतना संघर्ष कर रहे हैं वो किसी प्राप्ति के लिए नहीं, तो आपके अतिरिक्त किसी के बारे में नाना जी के मन में कोई श्रद्धा नहीं। तो जीपी का पत्र लिखा, तीन लाइन का, आप जानते हो ये चुनाव देश के भविष्य का है, लोकतंत्र के बचाव का है, मुझे उसकी प्रमुख भूमिका निभानी है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं निकल सकता, तुम इस नॉमिनेशन पर दस्तखत कर दो तो तुम कर। तब नॉमिनेशन पर मैंने दस्तखत किए, तब भी इंदिरा जी ने मुझे नॉमिनेशन विड्रॉल की तारीख के बाद किया, तो मुझे चुनाव में लड़ना पड़ा, जीत गया। लेकिन मिनिस्ट्री को मैंने मना किया, मुझे तो छोड़कर राजनीति, मुझे देश के ऊपर, देश के लोकतंत्र के ऊपर आया हुआ संकट तानाशाही का समाप्त करने तक काम करना था, वो कर दिया, सफलता के साथ कर दिया। नाना जी की परिकल्पना थी कि राम और भरत का राजनीति के लिए त्याग का मॉडल राष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए। राजनीति में गिरावट से विचलित नाना जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा का अनुकरण करना आरंभ किया। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कुछ हिस्से मूल रूप में चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर पवित्र यमुना किनारे राजापुर में आज भी दर्शनार्थ उपलब्ध हैं। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरखहि सुखबारी रिधि सिधि संपति नदी सुहाई उमगि अवध अम्बुधि कहूँ आई। मूल पांडुलिपि के दर्शन के बाद नाना जी ने विजिटर बुक में 25 जनवरी 1990 को अपने विचार भी लिखे। चित्रकूट को कर्मभूमि बनाने का बहुत बड़ा कारण है, चित्रकूट जैसा दूसरा कोई स्थान नहीं संसार में, नहीं देश में। आया राम गया राम का सिलसिला चल रहा था, हर एक आदमी अपनी पार्टी छोड़कर सत्ता पाने के लिए किसी भी पार्टी में जाता था। इस प्रकार केवल सत्ता की लालच में सारे नेतागण लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि केवल राम ही ऐसा है, भरत ही ऐसा है, जिन्होंने राज्य मिलने के बाद भी अपना अधिकार नहीं माना और वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। वो वनवास जाने के लिए तैयार हो गए तो भरत के लिए उसकी माँ ने राज्य निश्चित किया था, वो राज्य उसने स्वीकार नहीं किया, माँ को कहा तुमने क्या किया, और वो निकलकर चित्रकूट आए। जब चित्रकूट में राम रह रहे थे और चित्रकूट आकर कहने लगे कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, आपका राज्य है, आप चलिए। लेकिन राम ने कहा कि मैं 14 साल के बाद आऊँगा। तो मेरे लोग दुखी हुए, तो कहने लगे ठीक है तो आपके पादुका दीजिए। तो पादुका को सिंहासन पर रखकर एक सेवक के नाते वो 14 साल काम करते रहे।
ये आदर्श सत्ता कोई चीज नहीं है, ये लोगों के दिल और दिमाग में लाने के लिए मैंने चित्रकूट सर्वोपयुक्त जगह समझा। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाए, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो चित्रकूट को अपनी कर्म भूमि बनाने के साथ ही उनकी सुबह की शुरुआत होती थी एकात्म स्त्रोत से। प्रार्थना का यह क्रम प्रतिदिन जारी रहा और नानाजी के कुटीर में नहीं रह जाने के बाद आज भी जारी है। नानाजी ने चित्रकूट में राष्ट्र के लिए आदर्श की शुरुआत की थी। नानाजी ने समझ लिया था
कि गांवों से गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन को दूर करके ही ग्रामोदय संभव है। उन्होंने गांवों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का नारा तय किया। खेतों में फिर नाचेगी फसलों की नई जवानी, खेतों में फिर नाचेगी फसलों की नई जवानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। इस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए नाना जी ने चार सूत्र तय किए। ये सूत्र थे शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य और समरसता। नाना जी भली भांति समझते थे कि ग्रामोदय ही राष्ट्र विकास की धुरी है। इसके लिए उन्होंने किसानों की खेती पर जोर देना शुरू किया। वे जानते थे कि परंपरागत खेती से आगे बढ़कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर ग्रामों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है। इसके लिए नाना जी ने चित्रकूट के नजदीक मझगवां में कृषि विज्ञान केंद्र की पहल की। हर खेत को जरूरत के हिसाब से सिंचाई के लिए पानी मिल सके, इसके लिए नाना जी ने गांवों के आसपास जल संग्रहण की मुहिम शुरू की। मझगवां में देखा होगा हमने तालाब खड़े किए, इसी प्रकार तालाब खड़े कर रहे हैं और तब जल स्तर ऊंचा होता है। अब आपको बताते हैं कि पहले गर्मी में बिल्कुल बिहार जो बावड़ी थी वो पानी नहीं रहता था, बिल्कुल सूख जाती थी। तो बावड़ी में ये जल हमने जल स्तर ऊँचा करने के लिए क्या किया है कि बरसात के पानी को पकड़ करके जगह जगह किया है। तो धीरे धीरे ये कुएँ अब 15 फीट 16 फीट पानी उसमें रहता है गर्मी में भी। तो हम तो अपने पर ढंग से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारा देश ये करे इसकी आवश्यकता है और उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने सार्थक प्रयासों से गांवों में जल संग्रहण क्षेत्र और जल संरचनाएं बनवाई। इनमें ग्रामीणों की खास भूमिका रही। नाना जी बताएं कि ऐसा ऐसा खेती करो, पानी लगाओ, पानी का इंतजाम हम करते हैं। तुम कहा ठीक है, पानी का इंतजाम हो जाए तो फिर खेती तो होवे करी, अरे पानी का इंतजाम नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है, हम करते हैं। फिर तालाब चकडाट बंधवा दिए, फिर एक बाद में किसानी कार्य करो, सिंचाई करो, सिंचाई करने लगे तो खेती होने लगा, नहीं तो पहले अनाज नहीं होता रहा। सब नाना जी बता गए कि तुम पेड़ पौधा कहने एक नीचे घड़ा धारो, घड़ा धार के पानी भरो, पानी भर के माटी चढ़ाओ है, सिंचाई करो। तुम कहना ठीक है, तो क्या करने लगे, तो करने लगे तो क्या पेड़ तैयार होने लगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चित्रकूट में जल संरक्षण की खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा कि नाना जी के प्रयास से जंगल में मंगल हुआ है। नाना जी की प्रेरणा से बड़ी संख्या में लोग घर द्वार छोड़कर देश की सेवा और समाज को संगठित करने के काम में लगे हैं। दीनदयाल शोध संस्थान ने अनेक काम हाथ में लिए और मुझे देखकर प्रसन्नता है कि इस जंगल में मंगल लाने का काम एक हो रहा है। पानी के ऐसे इंतजाम से चित्रकूट
और आसपास के गांवों में अन्न उत्पादन की मात्रा कई गुना बढ़ गई और गांव के किसान खुशहाल होने लगे। यह था नानाजी देशमुख का चमत्कार। नाना जी के ही द्वारा जो है दंपत परिवार और कृषि विज्ञान से हम जुड़े, नहीं ना हम कृषि विज्ञान को जानते थे, दंपत परिवार को जानते नहीं थे कौन है, लेकिन नाना जी जब मिले, नाना जी को अपने गांव में लाए, नाना जी हमारे गांव कलहोरे में आए हैं और एक जो है निवेदन किया कि सर यहाँ सिंचाई नहीं है, तो एक तालाब आज भी बना है वहाँ तालाब, जहाँ की मतलब है सीधे सीधे चना कोदो कुटकी नहीं होती थी, वहाँ आज गेहूँ लगा है। वहाँ एक आदिवासी जो है मुंडल नाम मवासी का जो है, बल्डी नाम मवासी का बढ़िया बगीचा लगाए हुए है, उसके नीचे में ऊपर तालाब बंधा हुआ है, कम से कम 50 एकड़ की सींच होती है, जहाँ की जिनके गरीबों के घर में खाने के लिए भोजन नहीं होता था, आज वो है गल्ला उपाज करके और बेच भी लेते हैं, अपना खर्चा करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं, अपना धंधा रोजगार करते हैं, ये मात्र नाना जी की देन है। नाना जी की मंशा थी कि स्वावलंबन और खेतों के पोषण के लिए रासायनिक खाद के स्थान पर परंपरागत जैविक खाद का उपयोग हो। इससे ग्रामीणों की आर्थिक बचत के साथ ही भविष्य में उत्पादन भी बढ़ेगा। जैविक खेती की एक दूसरी विशेषता है कि इसमें कीड़े नहीं लगते, फसल में कीड़े नहीं लगते, और कीड़े लगे भी तो नीम का पत्ता लेकर के उबाल कर उसका छिड़काव करने से बिल्कुल सब प्रकार के कीटनाशक होते हैं। उन्होंने किसानों को खेती में जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीके भी बताए। दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट एवं कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां निखरा परियोजना के अंतर्गत हमने केविके से प्रशिक्षण लेकर अपने यहाँ बर्मी बेड का खाद तैयार कर रहे हैं, जिसमें से कि हम अपने वो लिए उपयोग मसूर और राई टमाटर प्याज इसका उपयोग में खाद का उपयोग होता है, और इसी से अपना जो अपने सिस्टर होता है तो एक बेड में 5 कुंटल के लगभग बिक्री भी हो जाती है, और ये हमारी बर्मी कंपोस्ट तैयार है, ये हमारे वो हैं केचुआ भी हैं, और इसका उपयोग करके हम अपना जैविक होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए नाना जी जहाँ खेती को आधारभूत ढांचा मानते थे, वहीं यह भी सोचते थे कि ग्रामों में होने वाले उत्पाद से ही रोजगार के अवसर बने। उन्हें पूरी तरह से विश्वास था कि ग्रामों में होने वाले उत्पादों से रोजगार जुटाकर ग्रामीण स्वावलंबी बन सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ग्रामोद्योग प्रकल्प की रचना की। इसमें ग्रामीणों को गांव में होने वाले उत्पाद से स्वरोजगार खड़ा कर स्वावलंबी बनाने की कोशिश में नाना जी सफल रहे। अपने को ग्रामोदय का नाम लेकर ग्रामोदय के विचार से काम करना चाहिए। हम तो धीरे धीरे ऐसा करेंगे कि देश में व्याप्त देश भर में चले, ये काम करें बिना कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। ये सब की समाज सामने आना चाहिए, सब जा करके खुशहाली आएगी, सब प्रकार की खुशहाली आएगी। ग्रामोदय यह संपूर्ण संसार का एकमेव उपाय है, इससे शांति सुख वैभव सबको प्राप्त होता। ग्रामोदय का काम ये संसार में यही एक चीज लोगों को सुखी बनाए। इस ग्रामोद्योग प्रकल्प में ग्रामीणों को तरह तरह के जैविक उत्पादों के अलावा गांवों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों के उपयोग से सामग्री निर्माण करवाने की तकनीक सिखाई गई। दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना माननीय नानाजी देशमुख ने
इस उद्देश्य से किया था कि चित्रकूट के आसपास जो वनवासी लोग और गांव के लोग बेकार बैठे रहते हैं, खेती का काम कर लिया उसके बाद फुर्सत होकर बैठ गए, इस उद्देश्य से उन्होंने किया था। जो चित्रकूट में लोकल फल आम, आंवला, नींबू, करौंदा, गाजर, मिर्च, उसका कोई विशेष रूप से उपयोग नहीं होता था, उसमें नाना जी ने किसी को नमक से, किसी को शक्कर से, किसी को तेल से प्रिजर्व करके, विदाउट केमिकल प्रिजर्व करके उन्होंने लोगों को प्रशिक्षित किया, गांव के लोगों को, स्कूल विद्यालय के छात्रों को, गांव की महिलाओं को, कि ताकि वो अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए, नहीं अगर उन्हें समय है तो अपना सामान तैयार करके बाज़ार में बेचे, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, कम से कम शुद्ध माल अपने लिए, जो मार्केट में जो केमिकल युक्त मिलता है उसके लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए शुद्ध माल बना करके और आजीवन स्वस्थ रहने के लिए जो है कैसे रहा जा सकता है, इस उद्देश्य से उन्होंने इस की स्थापना किया। नाना जी के बनाए गए दीनदयाल शोध संस्थान की अगुवाई में ग्रामोद्योग उद्यमिता विकास केंद्र में ग्रामीणों को अलग अलग इकाइयों में प्रशिक्षण से लेकर बिक्री के तौर तरीके भी सिखाए गए। अपने प्रगाढ़ अनुभव को लेकर नाना जी ने चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी कल्पना में था कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से ग्रामोदय के लिए छात्र शिक्षा प्राप्त कर गांवों में ही रहकर विकास करेंगे। चित्रकूट के आसपास के 500 से अधिक गांवों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए उन्होंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अलावा नन्हे बच्चों से लेकर युवाओं तक के लिए विद्यालयों की स्थापना की। शैशव काल से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक के लिए उन्होंने अपने मित्र स्वराज पाल से संपर्क साधा। उन्होंने नानाजी के ग्रामोदय की संकल्पना को पूरा करने में महती भूमिका अदा करते हुए सुरेंद्र पाल ग्रामोदय विद्यालय की स्थापना की। नानाजी का कॉन्सेप्ट ये था, मदन मोहन मालवीय जी का जैसा कॉन्सेप्ट था कि पूर्व प्राथमिक से लेकर हायर एजुकेशन तक एक ही परिसर में शिक्षा हो, उसी परिकल्पना के तहत नानाजी ने चित्रकूट में पूर्व प्राथमिक यानी नन्ही दुनिया से लेकर हायर एजुकेशन तक, विश्वविद्यालय तक शिक्षा के प्रकल्प को प्रारंभ करने की दृष्टि से सर्वप्रथम सुरेंद्र पाल विद्यालय, जो स्वराज पाल जी के अनुज थे सुरेंद्र पाल जी, उनके नाम से विद्यालय का शुभारंभ 1992-93 में किया। नन्हे बच्चों में खेल खेल में सीखने और शिक्षा देने के लिए नन्ही दुनिया बनाई गई। नाना जी का कॉन्सेप्ट ये था कि जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जो बीएड करेंगे, जो शिक्षक बनेंगे, और वही इन विद्यालयों में फिर अपनी शिक्षा देंगे, और पूरे इलाके में चित्रकूट की 50 किलोमीटर की एरिया को उन्होंने फिर जो ग्राम स्वावलंबन, जो यहाँ से इनको प्रयोगशाला कहते थे नाना जी, लैब टू लैंड, यहाँ से जो हम चीज़ें तैयार करेंगे, यहाँ से जो बच्चे तैयार होके जाएंगे जो फैलेंगे, और यहाँ से सबसे पहले वो कहते थे कि संवेदनशील होना चाहिए, शिक्षा का मूल क्या है, बच्चे के अंदर संवेदना। वो फिर उदाहरण भी देते थे, छोटे छोटे उदाहरण, रास्ते में कोई जा रहा है, कोई ब्लाइंड जा रहा है, कोई अपंग जा रहा है, तो बच्चे के अंदर अगर वो जा रहा है उसके अंदर ये स्वप्रेरणा आती कि नहीं आती है, मैं उसको रास्ता क्रॉस करवा दूँ, या उसको कहीं रोड में फंसा हुआ है, तो ये चीज़, ये गुण बच्चों के अंदर आनी चाहिए, ये नाना जी का शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। राष्ट्र उत्थान के साथ ही समग्र विकास के लिए नाना जी ने शिक्षा के साथ ही ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी विशेष जोर दिया। नाना जी ने चित्रकूट को देश में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए दीनदयाल शोध संस्थान की अगुवाई में आरोग्य धाम की स्थापना की। नाना जी की कल्पना यह थी कि स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता अधिक से अधिक हो, ग्रामीण प्रकृति से जुड़े रहकर निरोगी और स्वस्थ हो, गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से स्वस्थ रहते हुए ग्रामोदय से राष्ट्र उत्थान के लिए थी नाना जी की संकल्पना। आजीवन स्वास्थ्य का अनुसंधान कर रहे, रिसर्च कर रहे, चल रहा है धीरे धीरे, हमने शुरू किया है।
हमारे साधन सीमित है, लेकिन ये मॉडर्न साइंस ये भविष्य का साइंस नहीं है और चलेगा नहीं। स्वास्थ्य का वस्तुतः स्वास्थ्य संवर्धन का साइंस ये आयुर्वेद है, क्योंकि वह जैविक पदार्थों के उपयोग करता है। उससे केवल रोग बीमार नहीं होते, रोग दूर नहीं होता, रोग का कारण दूर होता है और दूसरी ओर स्वास्थ्य को बल पहुंचाता है। किंतु उसको भी लेने की जरूरत न पड़े ऐसी विधियां मानव को अपने जीवन में आचरण में लाने के लिए सुविधा निर्माण करा देना, ये हमारे आरोग्य धाम का लक्ष्य है। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए नाना जी ने औषधि पौधों को उपयोग करने के तौर तरीके अपनाने के लिए रसशाला नाम से एक प्रकल्प की स्थापना भी की, ताकि जिन ग्रामीणों के पास औषधि पौध का संकलन नहीं हो तो वे आरोग्य धाम में आकर लाभ ले सके, यानी ग्राम में ही स्वास्थ्य। दादी का बटुआ नाना जी का एक अभिनव प्रयोग था प्राकृतिक संसाधनों के जरिए निरोगी रहने का। इस बटुआ के माध्यम से गांव-गांव में ग्रामीणों को बताया जाता था कि दवाइयां तो उनके आसपास ही हैं, बस उन्हें जानने की जरूरत है। आसपास फैले प्राकृतिक संसाधनों से ग्रामीण राष्ट्र निर्माण के लिए स्वास्थ्य की दिशा में एक कदम आगे रखकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकेंगे। नाना जी की सोच ये थी, गांव में जो बूढ़ी दादी माँ थी वो छोटी छोटी पोटलियों में अजवाइन, जायफल, सेंधनमक आदि बांध करके रखती थी, बच्चे को जुखाम खांसी हो जाती थी उसी से इलाज करती थी। इस ध्येय को मान करके उन्होंने दादी माँ का बटुआ नाम रखा किट का। ये दादी माँ का बटुआ से लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला। दादी माँ के बटुए के माध्यम से गांव में जो स्थानीय औषधियाँ हैं उनका सीधे ग्रामीणों में गुण धर्म मात्रा बताकर प्रयोग किया गया, जिससे और लोगों को लाभ हुआ। ऐसे कार्य से लोगों की पैसे की बचत हुई और बड़ी बीमारियों से भी मुक्ति मिली और छोटी बीमारियों से भी मुक्ति मिली। नाना जी ने गांवों में ही उपलब्ध औषधि पौधों से दवाइयां तैयार करने के लिए संस्थान की रचना भी की, ताकि लोग आवश्यकता पड़ने पर आरोग्य धाम में आकर दवा ले सके। नाना जी की संकल्पना में ग्रामोदय यानी गांव के उत्थान के लिए स्वावलंबन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में एक है पशुधन, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को खेती किसानी के अलावा उनके पशुधनों के रखरखाव और उपचार की जानकारी दी जाने लगी। ग्रामीणों के पशुधन में गौ का विशेष महत्व है। गांव में गाय पूजनीय होने के साथ ही ग्रामीणों के स्वयं के पोषण और आय का एक साधन भी है। नाना जी ने राष्ट्र के विकास में गौ संवर्धन की भूमिका बहुत पहले ही भांप ली थी। नाना जी ने इसी को ध्यान में रखकर गौशाला की संकल्पना की। नाना जी बार बार हमसे कहते थे कि देसी गायों के ऊपर काम करेंगे तो ये देश बचेगा, समाज बचेगा और आर्थिक स्थिति अपने ग्रामीण जनों की मजबूत होगी। उस दिशा में काम प्रारंभ करना शुरू किया। शुरू में तो डर लगता था कि देसी गाय के आधार पर तो काम स्वावलंबन वाली बात एक कल्पना ही होगी, क्योंकि उस जमाने में हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़े थे तो जर्सी, हॉर्स्टन फ्रीजन, HFE ये सब बातें हुआ करती थी। तो ऐसी कल्पना थी कि दूध की नदियाँ बहेंगी तो विदेशी गायों के आधार पर। लेकिन नाना जी के साथ, नाना जी के निर्देशन में, नाना जी ने जो हमको सिखाया बताया उसके आधार पर आज हम लोग देख रहे हैं कि हमको एक आत्मविश्वास खड़ा हुआ। दीनदयाल शोध संस्थान में गौशाला स्थापना के साथ ही आसपास के गांवों में गौ संवर्धन के बारे में नई जानकारियों को पहुंचाया गया।
बीच में नाना जी आते थे यहाँ, जब ये काम चल रहा था, जब नाना जी 2003, 2004, 2005, 2006 में लगातार अलग अलग प्रकार की गायों को बाहर से मंगवाए थे और वहाँ देखने आते थे, समझ नहीं आते वो गाय कैसी है, वो गाय कैसी है, पंचगव्य का काम कहाँ तक प्रारंभ हुआ है, जैविक खाद कौन कौन से बना रहे हैं और कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया है। बार बार नाना जी का ये आग्रह रहता था कि ये जो गोवंश विकास एवं अनुसंधान केंद्र खड़ा हुआ है वो सिर्फ इस चित्रकूट के आरोग्यधाम तक सीमित नहीं रहना है, अपने आसपास के किसानों को क्या लाभ पहुँच रहा है इसकी चिंता पहले करनी है। उसी दिशा में काम करते करते आज हम लोग स्वावलंबन की तरफ बढ़ गए हैं। नाना जी देशमुख की गांव के समाज निर्माण के लिए ललक थी। वे यह मानते थे कि गांवों में विकास के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना होगा। ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए उनके आसपास का ही व्यक्ति होना चाहिए, पर प्रेरित करने वाला कौन हो? इसके जवाब में नाना जी ने खोज कर निकाला समाज शिल्पी, जो समाज की नई रचना में भूमिका अदा करे। व्यक्ति, परिवार और समाज, ये तीनों को एक दूसरे के लिए पूरक बनाने की आवश्यकता है। वो की जा सकती है यदि आत्मा की प्रेरणा को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसकी ओर पूर्णतः स्वतंत्र भारत में दुर्लक्ष है। स्वतंत्र भारत का स्वभाव वस्तुतः हमें अपने मूलभूत विचारों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है और वह जोड़ने का काम कौन करेगा? मानव करेगा। नाना जी यह भली भांति जानते थे कि ग्रामों में पुरुषों को तो कोई पुरुष प्रेरित करने में भूमिका निभा सकता है, पर गांव की महिलाओं को बताने के लिए महिला ही होनी चाहिए। वह उनकी भाषा, संस्कृति और स्त्रियोचित गुणों को ध्यान में रखकर ही प्रेरित कर सकेगी। यह प्रयोग था ग्रामोदय से राष्ट्रोदय। नाना जी का कहना था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो समाज शिल्पी रूप में गांव में रह के गांव में ही, मतलब ऐसा वो सोचे कि अपना बच्चे अपने परिवार को गांव जैसे गांव में शासकीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और गांव में रह के गांव के गरीबों के हित में काम करे, ऐसे नाना जी का जो कहना था। तो हम लोग चित्रकूट से ऐसा संकल्प लिए कि नाना जी के कहने के अनुसार हम लोग गांव आए। तो प्रथम गांव मेरा कैलाशपुर था। वहां गांव जब पहुंचे तो गांव में सर्वे किए, सर्वे में ऐसे परिवारों को चिन्हित किए कि ऐसे 83 परिवार चिन्हित आए जो जिसमें गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, बेरोजगारी एवं विवाद, इसमें हम लोग काम किए। हम लोग सर्वप्रथम बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, बच्चों की दैनिक गतिविधियां क्या है उनके घर में ऐसे पता करके। बाल संस्कार में प्रेरक प्रसंग, एकात मंत्र, एकात्म श्लोक, ओम का उच्चारण, बच्चों को सर्वगीण विकास कैसा हो, इसमें हम लोग काम करते हैं। नाना जी ने जब चित्रकूट में इस कल्पना को साकार करने के लिए आह्वान किया तो उनके अद्भुत आकर्षण से आस पास के गांव के अलावा दूरस्थ अंचलों से ऐसे दंपत्ति नाना जी के पास आने लगे। नाना जी क्या कहते थे, हमारा गांव बेकार न रहे, कुछ में हुनर पैदा हो जिसे कर सके। तो हम लोग प्रशिक्षण उद्यमता विद्यापीठ कृषि विज्ञान के चलवाते थे, जैसे उसका जो अपने यहाँ क्या होता है कि बढ़िया कुंडा बहुत मिलता है, तो बढ़िया कुंडा से जो आगरे का पेठा, पेठा आगरे से आता है तो हमारे यहीं पर पेठा बने, तो आगरे का पेठा बनाने के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क करते थे तो वहीं ट्रेनिंग करवाते थे। ट्रेनिंग करवाने के बाद लोग यहाँ सीख करके स्वयं बनाते हैं और जो स्थानीय बाजार होती है स्वयं बेचते भी, उससे इनकम मिलने लगती है। नाना जी ने ऐसे लोगों में चुनकर दंपतियों को 15 से 20 दिनों तक प्रशिक्षित करते हुए बताया कि राष्ट्र निर्माण के लिए गांवों में लोगों को स्वावलंबी बनाने और विवाद से मुक्त रहने के लिए कैसे प्रेरित किया जाना है। नाना जी देशमुख जीवन भर देश के लिए जिए, उन्होंने ऐसे कपल तैयार किए, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए कुछ करके रहो, इस मंत्र के साथ
युवा दंपतियों को उन्होंने निमंत्रित किया। सैकड़ों की तादाद में ऐसे युवा दंपति आए आगे और उनको उन्होंने ग्राम विकास के काम में लगाया। नाना जी ने कभी धार्मिक भेदभाव नहीं माना। वे मानते थे कि सभी के प्रयासों से ही राम राज्य लाया जा सकता है। सब हिंदू मुसलमान भाई भाई है, कोई अलग नहीं। अपने देश में सब लोग मिलकर के रहते रहे हैं, तब खुशहाली रहे, तब राम राज्य कहलाया। राम राज्य आज भी सारे संसार में लाने की जरूरत है, वो काम हिंदुस्तान में करना होगा। नाना जी समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए पुरुष और महिला के बीच समानता के सशक्त पक्षधर थे। उन्होंने अपने उद्गार में महिला पुरुष के बीच समानता से ही राष्ट्र के विकास की वकालत की। हमारे समाज में भी हमने ध्यान नहीं दिया, महिला को पकड़ करके चूल्हे के साथ बंद कर दिया, ये गलत चीज है। महिला पुरुष दोनों मिलकर समाज के विकास के दायित्व निभाने वाले लोग हैं। दोनों शादी के बाद पुरुष महिला को अपने बराबरी से अपना सहयोगी बना करके समाज का कल्याण करने की प्रेरणा नहीं देता, वो सवार होता है। आप धीरे धीरे महिलाएं नौकरी कर रहे, लेकिन क्यों, कैसी? जब तक पति और पत्नी में समानता का भाव, दोनों की शक्ति एक ही है, जो क्रिएटिविटी महिला में है वो पुरुष में भी है, ये दोनों की शक्ति के सम्मिलन के अलावा कुछ नहीं होता। हमारे समाज में थोड़ा हम विचार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाना जी के आदर्श पुरुष रहे। अपने हर संदेश में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श के उदाहरण को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार राष्ट्र की राजनीति भगवान राम के आदर्श के अनुरूप ही होनी चाहिए। आराध्य भगवान राम के दर्शन की परिकल्पना कर उन्होंने चित्रकूट में राम दर्शन नाम से भव्य संरचना खड़ी करवाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। देश के विकास के लिए नाना जी के अनुराग की जितनी भी चर्चा की जाए तो कम ही होगी। नाना जी की महानता इतनी थी कि उन्होंने अपने शरीर तक को देश और मानवता के कल्याण के लिए दान कर दिया। नाना जी ने मनुष्य जीवन के प्राणों की रक्षा के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान को मृत्योपरांत देह का दान करने के लिए पहले से ही वसीयत कर दी थी।
27 फरवरी 2010 को नाना जी का महाप्रयाण हो गया। चित्रकूट के साथ ही देश भर में नदियों का पानी मानो ठहर सा गया था। वायु में बहने वाली हवा की गति स्थिर हुई। चित्रकूट के पर्यावरण में जीव जंतु क्षण भर के लिए मौन हो गए थे। अशेष के साथ नाना जी ने काल का साथ छोड़ दिया था, लेकिन काल ने उनके राष्ट्र प्रेम के भाव लिए उनके सिद्धांतों और विचारों को अपने साथ जीवंत कर लिया था सदा के लिए। नाना जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना जी देशमुख के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, नाना जी देशमुख ने ग्रामीण विकास और हमारे गांवों को स्वावलंबी और निर्धनता से मुक्त करने की दिशा में स्वयं को अर्पित कर दिया। आज नाना जी देशमुख की जन्म शताब्दी में भारत सरकार की तरफ से एक पोस्टल स्टैंप का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है जब भी ये डाक इस पोस्टल स्टैंप के साथ लोगों के यहां पहुंचेगी, नाना जी के प्रति एक स्वाभाविक उत्सुकता जगेगी। कैसे कैसे महापुरुष, सिर्फ देश के लिए जीना यही जिनका मकसद रहा, गांव के जीवन में बदलाव लाना, इसी के लिए खुद जाकर के प्रयोग करना। और देश के सभी राष्ट्रपति, नाना जी ने जब से गांव का शुरू किया उसके बाद जो भी राष्ट्रपति आए वो हमेशा नाना जी के इस काम से जुड़े रहे, नाना जी के काम को सराहते रहे, नाना जी के प्रोजेक्ट देखने के लिए खुद जाया करते थे। और ये काम नाना जी के कौशल्य की विशेषता थी। वर्ष 1999 में भारत सरकार ने जहां नाना जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया, वहीं राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं को सम्मान देने के लिए वर्ष 2019 में मरणोपरांत राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर अपनी कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम श्री नानाजी देशमुख की ओर से श्री वीरेंद्रजीत सिंह। राष्ट्र की उन्नति में नाना जी की अतुलनीय सेवाओं के लिए देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी।